आइए दोस्तों बात करते हैं अब कि आखिरकार वीकेंड के वार की क्या लेटेस्ट अपडेट आई है। सेट पर से आई बड़ी खबर जहां पर सलमान साहब ने प्रतीक सेजपाल को बोल दिया है कि भैया प्रतीक सेजपाल इनफ। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मैं मौजूद हूं, तो वहां पे फट मुझे फॉलो जरूर करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रतीक सेजपाल को क्या बोली हैं बातें। अब ये कितना रखेंगे कितना नहीं ये तो आपको पता चल ही जाएगा, कल के दिन 9 बजे पता चल जाएगा वोट पे। लेकिन अभी इस वक्त मैं कह सकता हूं कि सलमान साहब ने प्रतीक को बैश किया है, जो कि हमें ऑलरेडी पता चल गया था। भैया आप बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ोगे, आप जो है बिग बॉस को कुछ भी उल्टा सुलटा अलता भलता बोलोगे, तो कैसे आप मतलब कैसे बच सकते हो, मुझको ये बता दो। तो ऐसे में प्रतीक सेजपाल की अगर बात करें तो प्रतीक सेजपाल द मोस्ट की ये बिग बॉस ओटीटी नहीं है, जो कि हंसी मजाक में खत्म हो जाएगा। और प्लस मैं कोई करण जौहर नहीं हूं जो कि घर के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेगा, और घर के प्रॉपर्टी को अगर तुम डैमेज करोगे तो मैं जो है इस तरीके से तुम्हें छोड़ दूंगा। दोस्तों आपको बता दूं तो प्रतीक सेजपाल के लिए ये भी बातें बोली गई हैं, सलमान साहब ने ये भी बातें बोली हैं जो कि इंटरनल खबरीज के द्वारा पता चल रही है कि प्रॉपर्टी तुम डैमेज करोगे और कोई करण जौहर नहीं आएगा यहाँ पे जो घर की बात ही ना करे, और मैं जो है करण जौहर नहीं हूं। सो ये कुछ बातें सामने आ रही हैं, और जैसी जो बातें सामने आई मैंने आपको फट बता दी। ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। अब देखते हैं कि ये बातें कितना एडिट होकर आती हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हमें पता है कि 1.5 घंटे का एपिसोड होता है, और उन 1.5 घंटों में कहीं ना कहीं हम लोग पता है कि किस तरीके से एडिट कर दिया जाता है। सो दोस्तों आपको क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं मैं, अपना ख्याल रखें।